नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंगांगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 1,27,510 नए मामले आए सामने और 2,55,000 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। देश भर में अब तक 21,60,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अरुणाचल में सोमवार को 350 कोविड रोगी हुए स्वस्थ और 322 नए मामले आए सामने। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने आज भारतीय थल सेना की पूर्वी कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला। ब्रिटेन की स्टाफ कॉलेज कैम्बरली से ग्रेजुएट लेफ्टिनेंट जनरल पांडे को है थल सेना के विभिन्न विभागों में काम करने का लंबा अनुभव। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मॉनसून को लेकर जारी किए पूर्वानुमान। देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा की जताई संभावना। पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होने का पूर्वानुमान। कोरोना महामारी के खिलाफ देश की जंग जारी है। संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़ने के साथ ही कुल सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इस दौरान कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.09% हो गई है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 1,27,510 नए मामले सामने आए और 2,55,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान 2,795 रोगियों की कोरोना से मौत हो गई। देश भर में कोविड के 2,000,000 से कम सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 19,25,000 सैंपल एकत्र किए गए। देश भर में अब तक 21,60,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देश ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 2,00,00,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाने का बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड की दूसरी लहर में स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या नए मामलों से अधिक रही। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार सोमवार को 350 कोविड रोगी स्वस्थ हुए और 322 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,755 रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 85.81% हो गई है। राज्य में सोमवार को कोविड जांच के लिए 5,552 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 49, वेस्ट कामेंग से 37, चांगलांग से 29, लोहित से 27, अंजाव से 25, नमसाई से 24, लोअर सिवनसिरी से 23, ईस्ट सियांग से 17, लोअर दिबांग वैली से 14, ईस्ट कामेंग से 13, पापुमपारे और लेपारादा से 10-10, लोअर सियांग, अपर सियांग और अपर सिवनसिरी से 8-8, लोंगडिंग से 6, तवांग से 5, कामले, करादादी और कुरुंगकुमे से 2-2, दिबांग वैली, सियांग और वेस्ट सियांग जिले से 1-1 मामले शामिल हैं, जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 84, चांगलांग से 36, लोहित से 33, अपर सुबनसिरी से 28, तवांग से 25, नमसाई से 23, लोअर सुबनसिरी से 20, लोअर दिबांग वैली से 19, वेस्ट कामेंग से 13, ईस्ट सियांग से 12, कामले से 11, वेस्ट सियांग से 10, पपुमपारे और अपर सियांग से 9-9, तिराप से 6, ईस्ट कामेंग से 4 रोगी शामिल है। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 3,41,830 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें से 82,200 लाभार्थियों को वैक्सीन की दोनों डोज दी गई है। इस बीच ईटानगर राजधानी क्षेत्र में आज से 18 से 44 आयु वर्ग के लिए क्षेत्रवार तरीके से कोविड टीकाकरण की शुरुआत हुई। इसके लिए जिले में 9 स्वास्थ्य केंद्रों पर यह सुविधा मुहैया कराई गई है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए लोग कोविन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या टीकाकरण केंद्रों पर जाकर भी पंजीकरण करा सकते हैं। से जो एबोव से लेकर कोविड का वैक्सीनेशन ले रहे हैं तो टारगेट हमारा आज का जो 100 का है और अंडर 18-44 का 100 और ये 45 एंड एबो का 100 का 200 का हमारे न्यूजली में आज टारगेट है। कल के लिए अभी 500 का टारगेट था, कल के लिए रखा हुआ है। उसके लिए टोकन दे रहे हैं, हम रजिस्ट्रेशन एंट्री कर रहे हैं, उनका जो आधार कार्ड और टेलीफोन नंबर का जरिए हम एंट्री कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ में ऐसे पिछले किया गया है, आप
ऑनलाइन तो है ही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में हमारा आज से शुरू हो रहा है। हमारा 7 तारीख तक का जो है हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो फ्री वैक्सीनेशन के लिए जो यह प्रबंध किया गया है उसको अमल करना है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने आज भारतीय थल सेना की पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाल लिया। इससे पहले वह अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ के पद पर थे। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ब्रिटेन की स्टाफ कॉलेज खम्बरली से ग्रेजुएट हुए हैं और उन्हें भारतीय थल सेना के विभिन्न विभागों में काम करने का लंबा अनुभव है। राज्य के गृह मंत्री बमंग फेलिक्स, खेल मंत्री मामा नातू और ईटानगर नगर निगम के मेयर तमे फसांग ने सोमवार को राशन सामग्री से लदे 23 वाहनों को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये राशन सामग्री ईटानगर राजधानी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों को वितरित की जा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खेल मंत्री मामा नातू ने कहा, राज्य सरकार दिहाड़ी मजदूरों और फंसे हुए लोगों को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि सरकार और लोगों में से कोई भी लॉकडाउन का पक्षधर नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए ही एकमात्र विकल्प है। गृहमंत्री बमंग फेलिक्स ने कहा कि यह पहल उन लोगों के लिए की गई है जो लॉकडाउन के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हो जाएगा, चिना चिनी हो जाएगा, वो सब नहीं करना है। अच्छा से सोशल SOP को मेंटेन करके लोग को चलने देना है, तो उन लोग को फैसिलिटी देना है। ऐसा ही कोई लोग और भी तकलीफ है तो देख लेंगे हम लोग आस्ते आस्ते करके। ये कोई सरकार का स्कीम नहीं है। आई थिंक ये चावल जो जाने जा रहे हैं उस असमी को जाएगा होगा जिन लोगों का पास खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। तो जिन लोगों के साथ खरीदने के लिए पैसा है तो वो तो फैसिलिटी दिया गया है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। क्योंकि हमारा सोसाइटी में ऐसा लोग भी है जो बहुत तकलीफ है, इन लोग को साथ देने के लिए जो किया है। तो मैं फिर से मैं आई विश माई गुड लक टू ऑल द कॉर्पोरेटर्स, जितने भी कॉर्पोरेटर्स टीम है आप लोगों को गुड लक देता हूँ। और मैं जैसा हम लोग BC में बोला है कि और भी तकलीफ है, अब सोशल मीडिया थ्रू से मत मांगिए, अब हम लोग को डायरेक्ट हम लोग बात कीजिए। ये पहले से बहुत ही तगड़ा वेब है ये, इसलिए इसमें काफ़ी आदमी देश में मोर्टलिटी काफ़ी रेट उसका ज़्यादा हो रहा है। जो कॉर्पोरेटर वार्ड वार्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा उसको जितना कॉर्पोरेटर लोग को भी आप लोग को भी बेस वेसिस देते हुए और सभी को मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि सबको सामान मिलेगा और जहां नहीं पहुंचेगा और भी हम लोग उसको देने के लिए तैयार है। ऑल मिशमी स्टूडेंट यूनियन AMSU लोहित जिले में COVID-19 से प्रभावित छात्रों को राशन पहुंचा रहा है। AMSU के अध्यक्ष असेंदो मिति ने कहा कि इस महामारी से आसपास के जिलों से तेजू में पढ़ने के लिए आए छात्रों की सहायता के लिए विशेष रूप से यूनियन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूनियन का प्रयास है कि महामारी के दौरान किसी भी छात्र को खाने की वस्तु की कमी का सामना न करना पड़े और उन्हें अपने कमरे में ही जरूरी सामान उपलब्ध हो। छात्रों ने ऑल मिशमी स्टूडेंट यूनियन के इस कदम की सराहना करते हुए कहा है कि इससे उन्हें मुश्किल घड़ी में सहायता मिली है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सोमवार को राज्य के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र के उपायुक्त कोमकार दुलोम को आपदा प्रबंधन विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि पिछले कुछ दिनों से ईटानगर के प्रभारी उपायुक्त का कामकाज संभाल रहे तालोपोतम को जिले का नया उपायुक्त बनाया गया है। आपदा प्रबंधन निदेशक अतुल तायंग को सियांग जिले का उपायुक्त बनाया गया है। सियांग के उपायुक्त राजीव ताकुक को ज्वाइंट सेक्रेटरी पोलिटिकल के पद पर नियुक्त किया गया है। राज्य के गृह विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी तमुने मिसो को पंचायती राज निदेशक बनाया गया है, जबकि जे परतिन को गृह विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। केंदोरिबा के रिटायरमेंट के कारण खाली हुए कुरुंकुमे जिला उपायुक्त के पद पर पतुक के ADC निघि बैंगिया को तैनात किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मॉनसून को लेकर पूर्वानुमान जारी किए हैं। विभाग के मुताबिक इस वर्ष जून से सितंबर माह की वर्षा सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून के दौरान बारिश 96 से 104% तक रहने के आसार है। उत्तर पूर्व भारत में वर्षा का स्तर सामान्य से नीचे रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है।
जबकि मध्य भारत में वर्षा सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई गई है। विभाग के मुताबिक वर्षा पर निर्भर कृषि क्षेत्र में बारिश सामान्य से अधिक होने की संभावना है। देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने की पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि जुलाई महीने में होने वाली बारिश का पूर्वानुमान वो जून के अंतिम सप्ताह में जारी करेगा। लोहित जिले के उपायुक्त मार्गस सोरा ने सोमवार को तेजू जोनल अस्पताल में नियमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन छोटे बच्चों के लिए है और जिले में पहली बार लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन दुनिया के कई देशों में पहले से बच्चों को दिया जा रहा है। जिला उपायुक्त ने अपने संबोधन में हेल्थ केयर वर्कर्स का हौसला बढ़ाया और कहा कि उनका लक्ष्य होना चाहिए कि इसी जून महीने में जिले के हर योग्य बच्चे को यह वैक्सीन लग जाए। कोई मर रहा है, कोई नया निकल रहा होता है, इस तरह बीमार भी इसी तरह हर साल में कोई ना कोई एक नया रूप लेके आ जाता है, जिसका वजह से ये साइंटिफिक इन्वेंशन जो डिस्कवरी हमको बराबर चलते रहना पड़े साइड बाय साइड, तो जिसका वजह से ये वैक्सीन भी निकला है। इसको हम लोग ये नहीं सोच रहे कि नया नया चीज़ क्यों हम बच्चा को देना पड़ रहा है, क्योंकि नया नया जो बीमार निकल रहा है उसको देना ही पड़ेगा। तो ये आप लोगों के ऊपर होता है, हेल्थ केयर वर्कर्स जो मेडिकल ऑफिसर्स है जो पेशेंट का साथ में रहता है बस्ती का साथ में, आप लोग पहले उनको नॉलेज दीजिए और उनको थोड़ा एनलाइटन कीजिए, कोई भी चीज़ अगर नया लॉन्च करने से पहले उसको कन्विंस करना है। अब ये महीना के अंदर जैसे भी जून के अंदर में पूरा हमारे खत्म करना है जो भी वैक्सीन लेने का जो जिसका एलिजिबल एज है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ईस्ट सियांग जिले में राशन का धारक बीपीएल परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त चावल वितरित किया जा रहा है। कोविड महामारी से प्रभावित गांव के लोगों ने मई और जून महीने का मुफ्त राशन एक साथ देने पर खुशी का इजहार करते हुए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। सरकार का तरफ से चावल फ्री मिल रहा है, वही हम लोग के लिए बहुत ये है सुविधा है, उसी से हम लोग चल रहे, खा रहे, पी रहे, नहीं तो वो भी नहीं मिलने से तो हम लोग को बहुत तकलीफ होना था। अभी प्रधानमंत्री को हम लोग धन्यवाद दे रहा है कि हम लोग को थोड़ा तो राशन पानी राशन के लिए थोड़ा सा सुविधा दिया। हम लोग का वही खाना पीना ठीक ही है, फायदा चावल खरीदने पर पैसा भी नहीं मिल रहा है खाने के लिए, उसके 2 बजे के बाद से तो लॉकडाउन होता ही है, उसके बाद वही चावल मिल रहा है। फिर भी वही है कि मोदी सरकार इतना अच्छा कर दिया लॉकडाउन में, चावल तो फ्री मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह तवांग जिले में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए बड़े पैमाने पर कोरोना जांच कर रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीकाकरण टीम घर घर जाकर जिले में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड का टीका लगा रही है। आज भी स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर घर जाकर कोविड टीकाकरण किया। इस बीच तवांग जिले के सीनियर डॉक्टर ज्ञाति चौबिंग ने लोगों से आग्रह किया है कि यदि उनमें फ्लू जैसे लक्षण नजर आए तो ये बिना देर किए टेस्ट और इलाज कराए। काफी बुखार, गला दर्द, डायरिया होके भी पेशेंट लोग हो रहा है, लेकिन ये है कि अब अगर उसमें माइल्ड केस जब सर्दी खांसी बुखार डायरिया ऐसा गला दर्द ऐसा हो रहा होगा, शुरुआत में इलाज करने से बाद में सीरियस होने का चांसेस कम होगा। तो इसलिए मिसकंसेप्शन नहीं रखना है कि हम थोड़ा 2-3 दिन देख लेगा ये बाद में टिक भी हो जाए बोल के। एनी सिम्टम्स अभी जो बोला है अगर ऐसा होता है तो शुरुआत में डॉक्टर को दिखा देना है, ऐसा दिखाएगा तो डॉक्टर लोग दवा दे देगा और सीरियस होकर निमोनिया होने का चांसेस कम हो जाएगा। तो मैं यही ये मैसेज देना चाहता था कि रिलक्टेंट ना हो, शुरुआत में जल्दी से जल्दी डॉक्टर को थोड़ा सिम्टम्स आने से जल्दी दिखा दे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने अपर सियांग जिले के कोइंग इलाके में वर्मी कंपोस्ट फार्मिंग का जायजा लिया और अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित प्रगतिशील किसान तोतोक लिबांग से भी मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि तोतोक लिबांग की ओर से खेती के क्षेत्र में किया गया योगदान सराहनीय है और इससे क्षेत्र के किसानों को प्रेरणा लेनी चाहिए।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि COVID-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र है तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।